स्वागत है आपका। आसिफा स्वागत है। नमस्ते चंद्रगण जी नमस्कार। जी, मैं टोंक पाइजान से बोल रही हूँ। अभी मैंने तेजी पर डाक चलती हूँ, सुनाई नहीं आया था। मेरी कजिन है और उसका बेटा है। हाँ कजिन को ना डिप्रेशन की वो है, तो हकीम साहब ने पहले ना छोटी हेड और धनिया और वो बताई थी, छोटी ब्लॉक अब है दूसरी बताई थी, तो समझ नहीं आई थी। और उनका बेटा है 18 साल का, वो 12th के अंदर पढ़ता है। वैसे तो वो सब चीज याद कर लेता है, दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे कभी कभी 11 साल का लगता है, ऐसी बात करने लगता है। और तो बड़ी परेशान है, तो वो अकेले था हिंदी को दवाई बताइए कि वो इलाज ठीक हो जाए। 18 साल का जो बच्चा है वो हाँ सारी जी, चीजें याद तो कर लेते हैं लेकिन। सब याद कर लेते हैं। हाँ और कभी है ना, जैसे 11 साल का बच्चा होता है ना, ऐसे हरकतें करने लगते हैं, यही करना है मुझको तो यही करना है, जिद्दी हो मोबाइल गए यू कर हैं, लेते हैं। जिद्दी हो गए हैं। ठीक जी। हाँ देखिए, नुस्खा तो मैंने बता दिया है और बताता ही रहता हूँ वो बच्चे को। वो नुस्खा आप दीजिए और आपके सामने वो बच्चों वाली है बातें तो करेगा क्योंकि आप उसकी बड़े हैं। और अपने माँ बाप के सामने, जब तक मेरी माँ जिंदा थी जब तक मैं उसके पहलू में लेट जाता था, कभी वो तेल डाल देती थी। और अगर मैं सब कुछ समझता भी था तो बच्चों की सी बातें करने लगता था। अगर वो जानबूझकर करता है तो कोई बात नहीं, ये उसका हक है। और अगर वो अनजाने में करता है तो जो नुस्खा मैंने बताया है वो उन्हें इस्तेमाल कराइए, यकीनन उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, और जो डिप्रेशन का नुस्खा था हकीम साहब। तो डिप्रेशन का एक छोटी हड़ वाला नुस्खा आपके पास लिखा हुआ है। छोटी हड़ को आप घी में या किसी तेल में वो अच्छे से भून लेना, उसके बाद इस्तेमाल करना, तब ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक नुस्खा और मैंने आपको बताया है, वो है सौंफ, धनिया, आंवला। सौंफ, धनिया, आंवला और खसखस, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और इसे भी आप 1 चम्मच या दिन में 1 बार या 2 बार 1-1 चम्मच नमक जैतून के पानी से खाना बेहतर है। जी।